वेट लॉस, फिर से मैं आ गई वेट लॉस पे। वेट लॉस करते समय काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि हम इतना अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, इतना अच्छा डाइट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, हम कहाँ ऐसी गलती कर रहे हैं। इस चक्कर में ही वो लोग लगे रहते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, आप उन्हें मिस्टेक्स कहें कि वो मिस्टेक्स वो लोग कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, और कुछ मिथ हैं जो उन्होंने अपने मन में पाले हुए हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वो थोड़ा सा दूर करना है। तो सबसे पहला जो जो गलती है, जो वो है कि हम जो वेट चेक करते रहते हैं ना हमेशा, वो बहुत बड़ी गलती है कि एवरी डे बस आप उठे और आपने वेट चेक करना चालू कर दिया, ये बहुत गलत है। और आप अपना वेइंग मशीन जो है ना, वो तो बिल्कुल उठाकर फेंक दीजिए। मतलब जब आप एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, जिस दिन से आप सोचते हैं कि मुझे वेट कम करना है, 15 दिन तक आपको बिल्कुल वेट चेक नहीं करना है। और उसके बाद आप 15 15 दिन, मतलब महीने में 2 बार आप वेट चेक कर सकते हैं। अगर आपका इंच लॉस हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। कभी कभी वेट लॉस नहीं होता, फैट लॉस नहीं होता, लेकिन इंच लॉस होता है, तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं। सो सुकून से रहिए। और अब दूसरा आता है कि डिफरेंट डिफरेंट डाइट प्लान्स फॉलो करना। एक एक लोग ऐसे होते हैं कि एक डाइट मतलब उनको सूट नहीं की, जैसा वेट लॉस नहीं हो रहा, 1 या 2 महीना हो गया, फिर वो दूसरा करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। इट्स लाइक हार्श डाइट प्लान जो होते हैं ना, जैसे कीटो होता है, या खाली लोग जूस पे रहते, लिक्विड्स पे रहते हैं खाली, एक डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी डाइट्स होती हैं जो फॉलो करते हैं ना, जो हम देखा जाए तो नॉर्मल लाइफ में हम उसको डेली रूटीन में लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि ऐसी डाइट करने से क्या होता है, उसको हम कुछ दिन तक तो फॉलो कर सकते हैं लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ की बात आ रही है कि हमें पूरी लाइफ में अपने को कैसे हेल्दी रहना है, और बहुत ही स्ट्रांग वे में, बहुत ही अच्छे वे में, हेल्दी वे में वेट लॉस करना है। तो प्लीज़ ये इस तरह की जो डाइट्स होती हैं, जो डाइट चेंज करते रहना, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए आपको बिल्कुल भी। दूसरा है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो तो मतलब फिर से कहूँगी कि हमेशा बोलती आई हूँ कि वो सबको ही करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी है, और सिर्फ 45 या 1 आवर करनी है। ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि भाई जिम जाओ और जिम बिल्कुल ख़त्म करके आ जाओ, डंबल फेंक के आ जाओ, आज तो मैं पूरे घर के बदल डालूंगा, इस तरह से जो सोचते हैं ना लोग, दो दो तीन तीन घंटे जो जिम में लगाते हैं और सोचते हैं कि हमारा जल्दी मसल्स आ जाएगा या हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, वो बहुत गलत सोचते हैं। हम इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन की जो कैपेसिटी होती है, जो हमारे मसल्स का जो टाइम होता है, वो बेसिकली 45 to 1 आवर होता है। उसके बाद मसल्स टायर्ड होना चालू हो जाती है। तो एक नॉर्मल जो इंसान चालू करता है वेट लॉस के लिए, उसको वो टाइम याद रखना है कि 45 to 1 आवर इज इनफ। हाँ, मैं उन बॉडी बिल्डर्स की या बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं जो बहुत वर्कआउट करते हैं, उनका एक अलग शेड्यूल, एक एक प्रोग्राम होता है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक नॉर्मल ह्यूमन जो वेट लॉस में जा रहा है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये तो अच्छा वर्कआउट करिए, आप क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, और 45 to 1 आवर आपको वर्कआउट करना है, एंड दैट इज इनफ। अब हम बात करते हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं वेट्स नहीं उठाएंगे हम। मैं खुद इतने लोगों को ट्रेन करती हूँ, एंड आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बिग शॉट्स हैं, आज भी कितने लोगों को ट्रेन करती हूँ, इतने पढ़े लिखे लोग भी मतलब ये बोलते हैं कि नहीं, हम वेट्स नहीं उठाएंगे क्योंकि वेट्स उठाने से हमारे मसल्स आ जाएंगे और हमारा वेट कम नहीं होगा। उनका वेट कम करने का एक ही रहता है कि मतलब कम खाओ और खूब सारी एक्सरसाइजेस, मतलब खूब सारी क्रंचेस करो, मतलब एब्स एक्सरसाइजेस करो, इससे ही वेट कम होगा। वेट कम होने का उनका एक सिंपल सा फंडा होता है कि हमारा ये स्टमक है, मतलब उनका सारा भार यही स्टमक पे होता है कि यही फैट है उनको, मतलब पूरी बॉडी में फैट नहीं है, ये फैट है उनके पास। तो ये जो इस गलत फहमी में जी रहे हैं लोग, वो प्लीज़ दूर करें उसको। वेट उठाने से आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, और जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है वो लोग इजीली वेट्स उठाने से वेट्स अच्छा उठा पाते हैं, और उससे वेट्स अपना वेट जो है वो कम करते हैं। तो ये जो मिथ है ना लोगों का कि वेट उठाने से कम हो जा मतलब ये हो जाता है कि मसल्स आ जाते हैं, या जो मिथ है उसको प्लीज़ दूर करिए और वेट्स उठाया करिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिम जाके पूरे घर के बदल डालूंगा और आप बिल्कुल उठाए जा रहे हो वेट्स,
बड़े बड़े और घर पे आके पड़ गए आप, बिल्कुल वो गलत है बहुत, वो नहीं करना है आपको। आप अच्छे जानकार किसी पर्सनल ट्रेनर से या अच्छी जानकारी से ही वेट्स करिए ताकि आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं हो। अभी दूसरी बात है आपका शुगर इनटेक। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बिल्कुल शुगर छोड़ देंगे और नहीं मुझे तो शुगर खाना ही नहीं है, मुझे तो नमक खाना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बॉडी को हमेशा बैलेंस करके चलिए कि आपको शुगर कितना लेना है, सॉल्ट कितना लेना है आपको। इन चीज़ों का जब तक बैलेंस नहीं करोगे तो बॉडी नहीं बनेगा। ये बहुत मिस्टेक है जो लोग करते हैं, जो सोचते हैं। बॉडी में क्या होता है कि हमको पूरा डाइट अच्छे से फॉलो करना है। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं कि जैसे जो लोग बोलते हैं कि शुगर नहीं लेना चाहिए, तो वो लोग क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, जैसे वो जूस पी रहे हैं तो जूस में क्या शुगर नहीं होता है? मतलब बाहर से जो लोग जूस बनाते हैं उसके अंदर शक्कर भी डालते हैं। चलो आप उसको मना भी कर दो, लेकिन काफ़ी लोग मना नहीं कर पाते, बना दिया तो बना दिया, फिर बाहर लोग कैन में जूस होता है वो लोग पी लेते हैं। या क्या करेंगे, पूरा दिन डाइट करेंगे, फिर शाम को चाय या कॉफ़ी ले लिया, उसमें खूब सारी शक्कर डाल दी। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, शक्कर डाल दी, तो इसका मतलब हुआ क्या, आपका तो ख़त्म डाइट। मतलब आप पूरा दिन कुछ नहीं ले रहे हो, लेकिन शाम को आपने वो शुगर और वो बाहर जाके जूस पी लिया, बस ये बोलते भाई हम तो लिक्विड डाइट पे हैं और हमने तो खाली कुछ खाया नहीं और हमने तो खाली ये लिया। तो भाई ऐसा डाइट नहीं चलता है, ये गलत है बहुत ज़्यादा। तो हमको शुगर का इंटेक पता होना चाहिए कि हमें कितना लेना है, सिंपल सी बात है। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम अभी बात करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना वर्कआउट कर रहे हैं, इतना अच्छा डाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वेट कम नहीं हो रहा है हमारा, ये बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट होती है। तो मैं उनको ये कहूँगी कि जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, वो लोग अपनी डाइट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको हमेशा ट्रैक करते रहें। अगर आप किसी बहुत अच्छे न्यूट्रिशन से कांटेक्ट में हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे डाइट ले रहे हैं, तो उनको बताइए। और डाइट आपका कहाँ गलत हो रहा है वो देखिए, वर्कआउट आपका कहाँ थोड़ा लैक हो रहा है वो देखिए, और अगर उसको करने के बाद भी अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो प्लीज़ जाके एक बार आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराइए। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि थायराइड के सिम्टम्स होते हैं ये, कि काफ़ी लोगों को थायराइड होता है तो उसमें वेट कम नहीं होता है। तो इतना सब करने के बाद भी अगर वेट कम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा हमें मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ऐसा मतलब डटे नहीं रहना चाहिए कि नहीं मैं तो सब सही कर रहा हूँ और मैं शुगर भी बिल्कुल कम कर दूंगा, नमक कम कर दूंगा। भाई ऐसा नहीं करना है बिल्कुल, बॉडी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और ये लॉन्ग टाइम तक सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे। सो याद रखिए कि हमें थोड़ा मेडिकल हेल्प लेना है और चेक करते रहना है कि हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, हमारा डाइट कहाँ है, कहाँ गलत हो रहा है। और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, दूसरी बात है कि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा वेट कम हो जाएगा। भाई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रॉपर वे में जैसे मैंने बताया 45 to 1 आवर एक अच्छी सी आपको एक्सरसाइज करनी है। और जहाँ तक डाइट की बात है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं तो बहुत छोटे छोटे मील खाता हूँ। सही बात है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि छोटे छोटे मील लेने चाहिए, एकदम भर के नहीं लेना चाहिए, लेकिन मील में आप क्या खा रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप ये सोचो कि मैंने एक छोटा मील लिया, उसमें इतनी सी बिरयानी खा ली, उसके 10 आधा घंटे या 1 घंटे के बाद फिर थोड़ा सा बर्गर खा लिया, भले इतना बड़ा बर्गर नहीं खाया, थोड़ा सा बर्गर खा लिया, उसके बाद फिर 1 घंटे का, तो भाई ऐसी डाइट नहीं होती है, ये बिल्कुल बकवास है। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपके छोटे छोटे मील में आप क्या खा रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। तो वो आप ट्रैक करते रहिए कि आपका डाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, सुबह से रात तक हेल्दी डाइट होना चाहिए। ये सब ये ऐसा अगर आप छोटा छोटा मील लेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, वो एंड ऑफ द डे आप टन ऑफ कैलोरीज खाएंगे और आप जहाँ के वहाँ रहेंगे। फिर तो ये हो जाएगा कि आप बस एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा खा रहे हो, तो मतलब एक बैलेंस चल रहा है आपका नॉर्मल। अगर आप वेट लॉस के प्रोग्राम में हो तो वो नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान देनी है। और जहाँ तक डाइट की बात आती है, जो लोग डाइट चेंज करते रहते हैं उनके बारे में ये कहूँगी कि जो डाइट प्लान होता है वो सबका अलग अलग होता है, हर डाइट हर एक को सूट नहीं करता है। तो प्लीज़ आप अपने डाइटिशियन से या उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपनी डाइट जो है वो अच्छी रखिए बहुत, और ये मत सोचिए कि आपका वेट कम नहीं होगा, ऐसा तो दिमाग में बना के ही मत रखिए। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से रहिए कि नहीं मुझे ये गोल, मैंने ये गोल सेट किया है और मुझे यहाँ पहुँचना है। तो उसके बीच में आपको कहाँ कहाँ गलती हो रही है वो हमेशा चेक करते रहना है। ऐसे नहीं कि भगवान भरोसे निकल गए और अब कुछ हो नहीं रहा है 1-2 महीने के बाद,
तो ये जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं प्लीज़ आप उसका ध्यान रखिए। बहुत टू मच एक्सरसाइज नहीं करना है, अपना शुगर इंटेक देखना है, आप शुगर कितना ले रहे हो, आप सॉल्ट कितना ले रहे हो, हर चीज़ लेनी है। बॉडी को हर चीज़ की ज़रूरत है, फाइबर, कैल्शियम, हर चीज़ चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ऐसी क्रश डाइट पर चले जाएंगे। हमेशा हमें ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो हम लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि खाली वेट कम हो गया, एक साल में या दो साल में वेट कम हो गया और वापस से आप सोचो कि मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, मैंने तो वेट कम कर लिया। ऐसा नहीं होता है। आपको अगर मेंटेन करना, द मेन थिंग इज़ आप वेट कम कर लो लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर लॉन्ग टाइम तक आपको मेंटेन करना है तो आपको एक बहुत ही ऐसा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा, जो आप लॉन्ग टाइम तक सस्टेन कर सकें। और ज़्यादा हार्श या ज़्यादा क्रैश डाइट पे आप मत जाइए, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ट्रस्ट मी। और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अच्छा सोइए। यस, अच्छा सोना भी हमारे वेट लॉस में बहुत बड़ा बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अच्छा नहीं सोएंगे तो आपको स्ट्रेस होगा, आप सो नहीं पाएंगे, आपका वेट बढ़ जाएगा। तो एक अच्छी नींद लेना, अच्छी एक्सरसाइज करना, ट्रैक करते रहना हर चीज़ को कि हम कहाँ गलत हो रहे हैं। तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपका वेट कम ना कर सके। सो ये आपके हाथ में है कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है, कैसा अच्छा रहना है। तो खुश रहिए। थैंक यू सो मच।